नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज आए हुए हैं हम नर्सरी, और ये नई नर्सरी है। इस नर्सरी के ऊपर हम पहली बार आए हैं और गर्मियां तेज़ हैं, और वैसे तो हमारे यहाँ 2 दिन से हल्की बरसात भी आ रही है और कुछ अब मौसम में ठंडक आ गई है। तो अब देखेंगे कि नर्सरी के ऊपर कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं। तो ये है एरेका पाम, और ये पॉट में लगे हुए हैं, और इधर यहाँ लगे हुए हैं कुछ ये एलोवेरा के प्लांट, तो ये भी छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं। ये हैं कागजी नींबू, और इसमें नींबू का ये फ्रूट भी आया हुआ है, और बढ़िया प्लांट है वैसे। काफ़ी बड़े बड़े साइज के इनमें फ्रूट लगे हुए हैं। और यहाँ ने ये कुछ सर्दियों के क्या परमानेंट प्लांट हैं, जैसे ये जरबेरा के प्लांट लगे हुए हैं, और काफ़ी हेल्दी है। और इन्होंने ना ये ज़मीन में इनके गमले गाड़ रखे हैं ताकि इनको ज़मीन से मॉइस्चर मिलता रहे, और काफ़ी बढ़िया हेल्दी प्लांट हैं ये जरबेरा के। और भी यहाँ ये सिंगोनियम के प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ ये मनी प्लांट लगे हुए हैं हैंगिंग बास्केट में, और ये गोल्डन वाला मनी प्लांट है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये वाला मनी प्लांट। और दोस्तों, यहाँ भी है ना कुछ ये क्रोटन के प्लांट लगे हुए हैं, और दूसरी जगह भी हम दिखाते हैं, और यहाँ भी है ना ये नींबू लगे हुए हैं, कागजी नींबू, और काफ़ी बड़े बड़े साइज के ये नींबू आ रहे हैं। और भी है ना, पीछे तक आप देख सकते हैं पाम की वैरायटी है, और यहाँ दूसरी क्यारी में भी ये पैसिफ्लोरा की वाइन लगी हुई है। ये पैसिफ्लोरा की वाइन है, तो हमारे पास भी है ना एक पैसिफ्लोरा की वाइन लगी हुई है, लेकिन है ना वो जैसे तेज़ आंधी आई थी, तो तेज़ आंधी में वो गमले में से निकल के बाहर गिर गई, और लेकिन अब हमने उसको दूसरे गमले में लगा दिया है। अब देखते हैं वो ग्रो होगी या नहीं होगी। और दोस्तों, यहाँ ये हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं, और ये तो है ना हाइब्रिड हिबिस्कस है, और ये लगे हुए हैं देसी हिबिस्कस। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये वाइट कलर का फ्लावर आया हुआ है, और इसमें रेड कलर है, और ये पिंक कलर का फ्लावर आया हुआ है। वैसे तो इस तरह के हिबिस्कस के प्लांट तो हमारे पास भी लगे हुए हैं टेरेस के ऊपर, और ये परमानेंट प्लांट होता है, और बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर भी आते हैं, और इसमें भी ये फ्लावर आए हुए हैं, और कलियां भी ढेरों इसमें आई हुई हैं। और इसी के पास ये भी, और यहाँ ना ये भी देसी वैरायटी का हिबिस्कस रखा हुआ है, और इस दूसरी वाली क्यारी में ये हाइब्रिड हिबिस्कस रखा हुआ है, और इसमें ये रेड कलर के फ्लावर भी खिल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये जट्रोफा के प्लांट रखे हुए हैं, और जट्रोफा तो है ना परमानेंट प्लांट होता है, और यहाँ ये नींबू के प्लांट रखे हुए हैं, और यहाँ ये फाइकस के प्लांट हैं। और दोस्तों, यहाँ ये कुछ फ्रूटिंग प्लांट लगे हुए हैं, ये अमरूद के प्लांट हैं, और यहाँ भी ये नींबू के प्लांट हैं। इनके सभी है ना पत्ते गिर चुके हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही तेज़ है, लेकिन इनमें भी है अब बगर आना शुरू हो गया है। ये आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा बगर आ रहा है, और वहाँ फाइकस के बड़े बड़े प्लांट रखे हुए हैं, और यहाँ भी पूरा एक ये ना अमरूद के प्लांट रखे हुए हैं, और यहाँ भी ये अमरूद के ही प्लांट हैं, और ना मतलब अमरूद के तो ढेरों प्लांट रखे हुए हैं, लेकिन अभी इनमें अमरूद नहीं आ रहे हैं। और दूसरी वाली क्यारी में भी यहाँ अमरूद ही है, मतलब ज़्यादातर अमरूद के ही प्लांट हैं। पीछे की तरफ तो ये है ना डॉली के पास रखा हुआ है पीछे, और पीछे सारे में ही अमरूद के प्लांट आपको दिख रहे होंगे। वैसे इस बार है ना फ्रूट नहीं आया है अमरूद का, और अब इनमें बगर आना शुरू हुआ है, ये बगर आ रहा है। और हमारे घर पे भी जो अमरूद के प्लांट है ना, तो उनमें इस बार ज़्यादा गर्मी के कारण बगर आया था, डोडी भी बनी थी, लेकिन उनमें फ्रूट नहीं लगा। और यहाँ भी ये जितने ढेर सारे आपको दिख रहे होंगे पीछे तक, बिल्कुल अमरूद के ही प्लांट लगे हुए हैं, और इधर ये अनार के भी प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों, इधर ये चंपा का प्लांट लगा हुआ है, और भी ये कुछ अनार है, फ्रूटिंग प्लांट है, और जैसे फ्लावरिंग प्लांट है। और दोस्तों, और भी है ना, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये एक अनार भी लगा हुआ है, और ये प्लांट गमले में ही लगा हुआ है, और यहाँ ये अनार के
फ्रूट भी आए हुए हैं। और ये मोगरा है, तो मोगरा का भी हम प्लांट शायद एक लेंगे, और बहुत बढ़िया खिले हुए हैं ये फ्लावर। तो दोस्तों आपको ये नर्सरी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस नर्सरी के ऊपर हम पहली बार आए हैं और ये नर्सरी रोड के बिल्कुल किनारे है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक की भी आजबाज आती रहती है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।